भिवाड़ी फूलबाग थाना पुलिस ने गत दिनों थड़ा गांव में घर के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़कर एलईडी पेन ड्राइव मूर्ति व अन्य दस्तावेज चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का सामान भी बरामद किया है। पकड़ा गया आरोपी चोरी लूट और हत्या के मामले में वांछित था। भिवाड़ी एसएचओ विक्रांत शर्मा ने बताया कि थड़ा गांव निवासी मोहित यादव के घर के बाहर खड़ी एसेंट कार का पिछला शीशा तोड़कर आरोपी ने चोरी की थी, जिसकी तलाश में पुलिस ने राजस्थान हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के ततारपुर गांव निवासी सुमित कुमार को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह रात में सामान चोरी कर उसे बेच देता था। करीब साल भर पहले उसने अपने साथी रमेश सेन और सचिन मेहता के साथ मिलकर फैक्ट्री में काम करके बाइक सवार एक युवक को पीटकर उससे 20,000 रुपए और 2 मोबाइल छीन लिए थे। वहीं गत वर्ष 13 अक्टूबर को आरोपी सुमित और उसके साथी जॉन, सचिन और रोहित ने जयपुर से बहरोड के लिए एक टैक्सी किराए पर की थी और आरोपियों ने बहरोड में टैक्सी के चालक की गला दबाकर हत्या कर दी थी तथा लाश को गाड़ी में ही छोड़कर भाग गए थे। रोहित और सचिन को बहरोड पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। 10 तारीख को एक चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था थड़ा गांव में। कोई कार में से शीशा तोड़ के अंदर से सामान वामान चोरी किया था। इसमें हमने थाने की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, सुमित जांगिर को। पूछताछ में अन्य वारदातों का भी खुलासा होना है और साथ ही वो पहले से बहरोड में एक मर्डर में वांछित है। बहरोड में अक्टूबर 2017 में एक जयपुर से टैक्सी किराए करके लेके आए थे और उस टैक्सी चालक की गला दबा के हत्या कर दी थी। उस पर ट्रेन में वांछित था। उसके अलावा उस पर और भी लूट और चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं।